हमारी बहनों के लिए, आदिवासी बहनों के लिए और उस पूरे समाज के लिए उनकी नीयत साफ हो गई। अब आपने माफी मांग ली, या तो वो दिल से बात कही थी या तो ये दिल से बात कही है। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर दिए गए विवादित बयान के विरोध में आज युवा कांग्रेस ने राजस्थान के विभिन्न जिलों में सीपी जोशी का पुतला दहन किया। जोशी ने दौसा जिले के दौरे में पार्टी की एक बैठक में कहा था कि जो लोग बीफ खाते हैं वे संसद में भगवान शिव की तस्वीर दिखाते हैं। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। राजस्थान के कई जिलों में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीपी जोशी के इस बयान का कड़ा विरोध किया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर जोशी के पुतले जलाए और नाराजगी व्यक्त की है। इस बयान पर उसके विरोध के बाद राजस्थान की राजनीति में उथल पुथल मच गई है। कांग्रेस और भाजपा के बीच तनाव बढ़ गया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी गर्मा गर्म बहस होने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान की विधानसभा में आज काफी कुछ उठा पुटक देखने को मिली और जाहिर सी बात है कि पूरा विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ हो गया है। कई प्रकार की नोकझोंक टीकाराम जूली, डोटासरा साहब और स्पीकर के बीच में देखने को मिली। इसी बीच कांग्रेस के युवा संगठन यूथ कांग्रेस ने भी आज सत्ता पक्ष का पुतला जलाया है। हमारे साथ में मोहम्मद शाहिद जी मौजूद है। शाहिद जी, आज जो पुतला जलाया गया, किसका पुतला जलाया और क्यों जलाया? देखिए, इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, जो आज गरीब, मजदूर, युवा, महिला, बुजुर्ग, सैनिक, किसान, ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जिसकी आवाज बनकर संसद में नहीं दहाड़ रहे राहुल गांधी। ऐसा सभी धर्म, सभी समाज, सभी वर्ग की आवाज बनकर उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। ऐसे नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने आनागर जो टिप्पणी की, उसके विरोध में आज राजस्थान युवा कांग्रेस के सभी जिलों में उनका पुतला फूंक करके उन राहुल गांधी जी से माफी मांगने की मांग किया गया। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से माफी मांगने की बात कहकर उनका पुतला जलाया, वैसे ही एक आंदोलन सा हम कह सकते हैं पूरे राजस्थान में चला था शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ। उन्होंने माफी मांग ली है, क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने माफी जरूर मांगी है, लेकिन उनका जो कथन था हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, हमारी बहनों के लिए, आदिवासी बहनों के लिए और उस पूरे समाज के लिए, उनकी नीयत साफ हो गई। अब आपने माफी मांग ली, या तो वो दिल से बात कही थी या तो ये दिल से बात कही है, दोनों बातें कही है, तो वो भले ही माफी मांग ले, ये मुंह वाली माफी है, लेकिन अपने दिल की बात उन्होंने सारे राजस्थान की जनता और उस वर्गों के सामने तो रखी है। बिल्कुल, आज विधानसभा में भी स्पीकर और टीकाराम जूली जी के बीच में काफी नोकझोंक हुई है, जिसका बाहर आकर डोटासरा साहब ने भी उसका विरोध किया है कि जिस प्रकार से स्पीकर ट्रीट कर रहे हैं विपक्ष को, वो सही नहीं है। देखिए, हमारे नेता आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय विधानसभा के अंदर जनता की आवाज बनकर राजस्थान की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और राजस्थान युवा कांग्रेस राजस्थान की जनता की लड़ाई सड़कों पर लड़ रही है। ये थे हमारे साथ मोहम्मद शाहिद जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जो टिप्पणी की है, उसका पूरे राजस्थान भर में ही नहीं, पूरे देश भर में विरोध रहा और उसी का ये परिणाम था कि आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का यूथ कांग्रेस के लोगों ने पुतला दहन किया है। विधानसभा की कार्रवाई के बारे में अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से नोकझोंक तीखी टीकाराम जूली, स्पीकर और डोटासरा साहब के बीच में देखने को मिली है, उससे भी यूथ कांग्रेस काफी नाराज है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जनता की आवाज अगर विपक्ष और हमारे नेता प्रतिपक्ष न सिर्फ संसद में बल्कि विधानसभा में भी अगर वो उठा रहे हैं तो ये सही है और उस आवाज को दबाना कहीं से भी उचित नहीं है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।